नेताओं के लोकसभा चुनाव में अजब गजब तरीके से और अनूठे तरीके से प्रचार प्रसार करना बहुत आम सी बात है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कटिहार लोकसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी, जो आप भी बहुत ही अनूठे अंदाज से दुलालदा जो है आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या है आपके प्रचार प्रसार का माध्यम, पहले बताइए। देखिए, वो तो आम लोगों का सवारी है। ऑटो से मेरा पुराना रिश्ता भी रहा है और रिश्ता कभी कभी समय पर काम भी देता है, चाहे सांसारिक जीवन में हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। तो कभी इस ऑटो को चला करके लोगों को हम गंतव्य तक पहुंचाने का भी काम किए और वो भी मेरा जीवन का एक समय था। और इस बार का चुनाव में भी हम लोग हमारे साथियों ने कहा कि दुलालदा ऑटो आप ये किए हैं तो एक बार ऑटो से हम लोग प्रचार अभियान चले। तो कुछ दिन पहले हम लोग ऑटो से इसको स्टार्टिंग किए और आज आप आए हैं। आज तो दुलालदा को ऑटो चलाने आता है। नहीं, हम तो ऑटो चलाए पटना के सड़कों पर लगभग 1.5-2 साल हम ऑटो चलाए, उस समय जब हम ग्रेजुएशन पार्ट चलिए वन में दुलालदा, हम पढ़ते थे। आपसे आगे बात करेंगे, आप पहले हमको दिखाइए कि कैसे आप ऑटो चलाते हैं जरा सा, और अपने प्रचार की शुरुआत कीजिए आज का। तो यहाँ देख सकते हैं दुलाल चंद गोस्वामी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं कटिहार से, यहाँ ऑटो की सवारी करते हुए, जिसे हम लोग यहाँ बिहार में टेम्पो भी कहा जाता है, तो टेम्पो की यहाँ पर सवारी करते हुए। और ये बड़ा एक अनूठा एक अंदाज है इनका प्रचार प्रसार करने का कि ये ऑटो में ही जो है वो घूम घूम कर जो है बात करते हैं, जनसंपर्क करते हैं लोगों से। और ये बड़ा एक अनूठा अंदाज है जो दुलाल चंद गोस्वामी का जो है इस वक्त नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में, जब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के सांसद और इस बार कटिहार से उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी हैं, जो कटिहार की सड़कों पर निकले हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये उनका अनूठा और अनोखा अंदाज है, क्योंकि दुलालदा आप पहले भी ऑटो चला चुके हैं, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। नहीं, पहले भी चला चुके, स्टूडेंट लाइफ में 1987 में जब कुछ परिस्थिति आई फ्लड उलट के कारण घर में, तो उस समय हम पटना में गए तो उस समय भी घर की स्थिति को ठीक करने के लिए हमको ऑटो चलाना पड़ा था। और ऑटो मेरे लिए बहुत सहायक रहा, लकी रहा, और उससे हम बहुत कुछ सीखे। और आज उसी का परिणाम है कि अपने राजनीतिक मुकाम में भी उस संघर्ष की शक्ति को आगे लेकर के आज हम यहाँ तक कौन पहुंचे। से साल में आप पटना गए थे जब आपने ऑटो चलाया था? 1987 में फ्लड आया, 87-88 उस सब में, और लगभग 1.5 साल तक चला है। और घर की स्थिति को भी संभाले, परिवार के उस संकट से उबारे भी। उसके बाद फिर जब स्थिति ठीक हो गई तो हम ग्रेजुएशन का एग्जाम भी दिए और फिर उसके बाद हम राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। और 5 साल के बाद हम फिर MLA भी बन गए और राजनीतिक सफ़र भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ। फिर 2010 में राजनीतिक परिस्थिति बनी, मुझे टिकट नहीं मिला तो लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट डलाया बलरामपुर विधानसभा से। फिर वहाँ से विधायक बने और 1995 और 2019 में, फिर 2019 में NDA से प्रत्याशी बनाया कटिहार लोकसभा का, माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट दिए और MP बने। आज फिर NDA ने प्रत्याशी बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। और आज फिर उसी तरह से 2024 में पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाना है, एनडीए देश में 400 पार करे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि बिहार में 40 से 40 सीट हमें जीतना है, उसमें कटिहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के हम टेम्पू लेके सड़कों पर उतर गए हैं कि चाहे वो टेम्पू वाला हो, रिक्शा वाला हो, बस वाला हो, पायलट हो, हर चालक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ है, एनडीए के साथ है। लेकिन ये बताइए, आप जब पटना गए थे तो टेम्पो ही क्यों चलाने है? आपने सोचा रोजगार का और भी कोई जरिया हो सकता था पैसे कमाने का? नहीं, बहुत सारे रोजगार है, बहुत सारे काम है, कभी कभी ईश्वर को कुछ काम आपसे करवाना रहता है, या समय या संजोग कहिए कि मेरे साथ जो साथी थे उन लोग इसी रोजगार में थे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, आप ट्रेंड भी हो जाइएगा, चार पैसा कमाइएगा भी, घर को भी मदद होगा और आप सक्षम भी हो जाइएगा। आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं और हम बहुत दिन के बाद ऑटो चला रहे हैं। तो उस वक्त कितना पैसा कमाते थे एक दिन में? एक दिन में 40-50 रुपया से लेके 100 रुपया। तो अपना ऑटो था या फिर किराए पे आपने लिया था किसी से? नहीं, वहाँ तो ऑटो मिलता है ना, ऑटो मिलता है, सुबह लीजिए और उस ऑटो में जितना तेल है शाम में लौटा देना है, और जैसे दिन भर जब आप ऑटो चलाइएगा तो उसमें ऑटो के हिसाब से, नया है तो 100 रुपया, पुराना है तो 80 रुपया, उससे पुराना है तो 70-75 रुपया, तो 75 रुपया देना है, गाड़ी में जितना तेल है उतना डाल दीजिए जो बचा आपका। तो कम से कम आप कटिहार में जो प्रचार कर रहे हैं ऑटो पे, तो कम से कम ऑटो वालों का तो आपको वोट लगता है कि मिलेगा ही, एक मैसेज भी जा रहा है। ऑटो वाले तो मेरे घर के हैं और सब लोग अपने हैं, तो सब लोगों का हमको सहयोग मिलेगा, सब हमारे अपने हैं। इस बार भी कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, दूसरी बार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, कटिहार में तो मतदाताओं का मन बना हुआ है, कल हम लोग नामांकन करेंगे और फिर 26 तारीख को चुनाव होगा, और हम भी कटिहार घूम रहे हैं, मेरे साथी घूम रहे हैं, आम मतदाता भी हमको वोट करके फोन करके खबर करते हैं कि दुलाल दा आप चिंता नहीं करिए, हम लोग आपके साथ हैं और आप घबराइएगा मत, हमको बोलता है कि ठीक से खाइए, मजबूती से रहिए, घबराना नहीं है और हम लोग आपके साथ है। 19 में जैसे जिताए थे 24 में वैसे जिताएंगे। और यहाँ से तारिक अनवर लड़ रहे हैं कांग्रेस के, तो क्या लगता है कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर आपके लिए कोई चुनौती है? नहीं, तारिक साहब तो 2019 में भी लड़े थे, तो परिणाम आपके सामने है, देश के सामने है, और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं तो परिणाम वही होगा जो 19 में हुआ था, प्रचंड बहुमत से एनडीए जीतेगी। और मोदी जी का क्या लगता, लहर है इस बार या फिर बहुत सारा लगता उनको भी चुनौती मिलने वाला है? देश मोदीमय है तो कटिहार भी मोदीमय है, मोदी जी के प्रति लोगों का आघात श्रद्धा है, उनके कार्यों के प्रति आघात श्रद्धा है, और मोदी जी ने देश को बता दिया है कि एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार विहीन देश बन गया, देश भ्रष्टाचार विहीन है। आज देश में जो भी मंत्री है, एक समय था मंत्रियों पर घोटाला भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, लेकिन मोदी सरकार में एक मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, परिवारवाद का किसी तरह का आरोप नहीं लगा। जो देश क्या है, अब की बार मोदी जी कहते हैं देश की संचित निधि जो है देश के लिए लग रहा है, और अब की बार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए जो इंडिया गठबंधन को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में घूम घूम करके एकत्रित किए, वो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी को नहीं समझ सके, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नीतीश जी को, उस सक्षम व्यक्तित्व को अपने साथ ले लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी राम है तो नीतीश कुमार लक्ष्मण है,
और राम लक्ष्मण मिल गया तो किसका संहार होता है वो तो होना तय है। अब की बार 400 पार तय है, तय है, तय है, जनता का मूड बन गया। दुलाल चंद गोस्वामी जो कि जेडीयू के प्रत्याशी है, यहाँ पर बड़े अनोखे अंदाज में जो देख सकते हैं। आपने मेरी गाड़ी पर सवारी की तो आपको और आपके चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से, आप चाहे तो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं गाड़ी साइड में लगाकर। तो ऑटो पे सवार होकर दुलाल चंद गोस्वामी अब देख सकते हैं कटिहार की सड़कों पर, यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और ये दरअसल उनका जो दिन भर का जो है इसी तरीके का सिलसिला रहता है। वो जगह जगह पर जो है जहाँ संभव होता है वो ऑटो की ही एक तरीके से कहे तो ऑटो चलाकर वहाँ पहुँचते हैं और एक संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा एक उनका अनोखा अंदाज है प्रचार प्रसार करने का। और इस बार भी उनका कहना है कि उनकी जीत जो है इस बार निश्चित है और इसको लेकर वो बड़े आश्वस्त भी हैं। लेकिन नेताओं के रंग रंगीले तरीके होते हैं, अनूठे तरीके होते हैं, अनोखे तरीके होते हैं प्रचार प्रसार करने का, और वही इस बार कटिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां जेडीयू प्रत्याशी टेम्पो चलाकर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। और शायद इसलिए इन्हें यहाँ पर टेम्पो वाला सांसद भी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, कटिहार आज तक।